नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। 1971 की जंग की 50वीं वर्षगांठ भारतीय फौज की 7वीं राजपूताना बटालियन की तरफ से गुरदासपुर के सरहदी हलका डेरा बाबा नानक में मनाई गई। वहीं इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा समेत जिला प्रशासनिक अधिकारी और फौज के अधिकारियों की तरफ से शिरकत की गई। वहीं इस मौके पर भारतीय फौज के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया गया। वहीं शहीद सैनिकों के परिवार को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री रंधावा ने 1971 की जंग को याद करते हुए अपने देश के सैनिकों की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि आज हम उन्हीं शहीदों की शहादत के कारण अपने देश की धरती पर आजादी का सुख मना रहे हैं। वहीं रंधावा ने कोरोना को लेकर कहा कि देश समेत राज्य में जिस तरह से कोरोना अपने पैर दोबारा पसार रहा है, उसको देखते हुए हमें सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर खतरनाक हो। इसीलिए रंधावा ने अकाली दल में खेमकरण की सीट के विवाद को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे खेमकरण में जीजा के सामने साला खड़ा हो गया है, वहाँ दिन दूर नहीं है जब एक और साला अपने जीजे के सामने खड़ा हो जाएगा और 2022 के चुनावों में लोग इनकी आपसी लड़ाई भी देखेंगे। वहीं रंधावा ने अंसारी और दूसरे गैंगस्टरों को लेकर मजीठिया पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जेलों में बंद गैंगस्टरों पर नकेल कस रखी है, लेकिन मजीठिया चाहते हैं कि गैंगस्टरों को खुला छोड़ दिया जाए ताकि गैंगस्टर फिर से गुंडागर्दी और लूट मचाते दिखाई दे, लेकिन हमारी सरकार यहाँ होने नहीं देगी। बाकी अंसारी गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने को लेकर रंधावा ने कहा कि यह फैसले मान योग कोर्ट के आदेश पर है, वहीं जेल प्रशासन उनमें कुछ नहीं कर सकता। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज जेडे डेरा बाबा नानक च मैं 71 की बार आप देखी और उस टाइम मेरे फादर भी MLA सीगे और आज जो इतने देख के पुरानी ज़्यादा ताज़ा हुई ने किमें जरा इतने पुल सीगा उन्हों डबल पुल सीगा उपर ट्रेन और जी रोड से दोनों चल दिया सीगियाँ और इन्ना जबरदस्त और बड़ी लड़ाई जी जबरदस्त उत्थे लड़ाई हुई, तीन दिन लड़ाई होती रही और अल्टीमेटली साड़िया फौजा ने उन्हों का पुल जोड़ा कब्जे च लैके उन्होंने तहस नहस कर दिता। तो उस वे जी शहादत हुई उस वे जोड़े जवान उस वे जोड़े कर्नल से इतों के कमांडेंट से कमांडर से जो ब्रिगेडियर से ब्रिगेड कमांडर इतों के DS अलावत जिन्हों का हमने नाम भी लिया, उन्होंने जो कुरबानियां दतियां या उन्होंने जो जिस तरीके ने लड़ाई लड़ी तो अज उन्हों की बदौलत असी इस धरती के उपर बैठे और मैनों हमने जोड़े जवान बच्चों कई जिन्होंने तो 71 की वार इतने भी सके और जोड़ा नैशनल फ्लैग अज भी उत्थे पिया वह भी डेरा बाबा नानक के बीचों दुकान खोल के तो उस वे किया उत्थे जाके लहराया और जी जो इन थावान पर आईदा प्रोग्राम जोड़े सानू सारू सिर्फ यही नहीं कि जंगी शहीद या उन्होंने जोड़े परिवार ने उन्होंने अज का दिन जी गोल्डन जुबली है वो दे सारे हिंदुस्तानियों का दिन है क्योंकि उस दिन पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक बंगलादेश एक पाकिस्तान जोड़ा साड़ी सरकार ने उस वे इंदिरा गांधी ने उन्होंने किया और जनरल अरोड़े की पैरों के जी दुनिया की सब तो वड्डी हिस्टरी दे विच है कि इन्नी कभी आर्मी ने हथियार नहीं सी सरेंडर नहीं किया जिस वे उन्होंने पाकिस्तानी ने सरेंडर किया और हिंदुस्तान के किस्म के लम्बे पै गए थे तो अज उन्हों का दिन मना जो गल की जाए तो कोरोना देखते हुए ज्यादा हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, मौत दर भी पंजाब दे विच ज्यादा वध चुकी है। बिल्कुल अज मैं DC साहब दस रहे हैं कि बटाले च ही अज दो मौत अज ही हो गए हैं, बड़ा जरा नवा जरा कोरोना जरा नव सैकेंड फेज नहीं मैं कहना इमीजिएटली इन्ने जे आ गए हैं तो सानू
ये तो सारे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है अभी इंजैक्शन भी लवाए ने पर फिर भी जेडे मास्क जरा वा ए आप बिल्कुल ही भुल गए कि कभी बीमारी आई भी सी। तो मैं डीसी साहब ने कहा कि थोड़ी सख्ताई करिए, लोग नरमाई को बिल्कुल नहीं समझते, विआवां दे विच इन्ने ने इकट्ठ होने शुरू हो गए हैं और जेडे असी भी जेडे पोलीटिकल बंदे हैं असी भी अपने जलसे जुलूस करके बेशक भावें बाद च आप भी पॉजिटिव आ जाए सानू भी थोड़ी जी लोगों की दे अपना मुफाल छड़िए कि साड़ियाँ इलैक्शन आ रही असं कुछ करना जे लोग जींदा रहेंगे तो असी इलैक्शन लड़ने तो जे इस तरह बीमारी बढ़ती रही इन चीज़ों पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कहूँगा कि थोड़ी सख्ताई करनी चाहिए और इमीजिएटली जिते सख्त कदम चुकने हैं उत्थे सानू चुकने पैणगे। रंधावा साहब सरकार वालों भी कोई शहीदों के परिवारों वास्ते किया जा रहा है, इस मौके पर 50 साल हो रहे हैं। मैं वेखो जिते उन्होंने अपने वालों सन्मानित किया उत्थे असी पंजाब गवर्नमेंट वालों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वालों मार्कफेड और मिल्कफेड वालों उन्होंने जोड़े ने तोहफे जोड़े ने उन्होंने दिते ने और जिदा कई ने कहा कि साड़ियाँ पेंशन जो जाके गल करा क्योंकि जी इतने पेंशन होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी तो इन्हों के डीसी साहब ने उन्होंने एड्रैस वगैरह लिख ले ने कि किड़े किड़े पिंडा ने उन्होंने गल जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने चिट्ठी लिखी जाएगी। पीएम साहब की मीटिंग है जी लगता जी की फैसला हो सकता है अज जी मीटिंग है हूँ एजेंडा मैं भी नहीं पता कि वो बाद मेरा ख्याल कोविड से ज़्यादा होएगी मीटिंग तो वो जे आएगी तो सीएम साहब तो आप आर्मी मैन ने उन्होंने जरूर गल करनी तो जाके जी इन मैं भी देखिया जी मुश्किल ने उन्होंने जाके इमीजिएटली सरकार हाले कोविड ना लड़ती दिखाई दे रही है पर जे गल की जाए दूसरी सियासी पार्टियां दी अकाली दल दी तां खेमकर दी सीट नूं लैके आपसी लड़ाई उन्हां दी दिखाई दे मैं इहदे च तुहानूं इक गल कहणी चाहुंदा कि उत्थे साले ने जीजे दे अगेंस्ट खड़ो गया तो बहुते दिन दूर ने जदों दूजा साला इस जीजे दे अगेंस्ट खड़ा होएगा इहदे बाद तों थोड़े जे जदों इलैक्शन नेड़े आएगी उहदे जीजे साले जिहड़े इन्हां दीआं लड़ाइयां चलणगीआं पंजाब वाले देखणगे। वाकई मैनूं बदकिस्मती दा मैनूं कहना पै रिहा कि जिस वेले असैंबली दे विच वी गल चली सी ते उस वेले जो बिक्रम मजीठिया दा जवाब सी बड़ा शर्म वाला सी, उन्होंने जदों गल की कि इहदे बारे उह कहिंदा उन्हां दी वी भैण बैठी आ अपने मनप्रीत बादल दी उन्हां दी वी भैण, इहदा मतलब इन्हें बिक्रम मजीठिया ने यह खत्म कर दिता कि जिहड़ी सुखबीर दी साडी भैण आ उह सिर्फ उहदी मनप्रीत दी आ, इहो जिहा जवाब देना इत्थे इहदा मतलब कि इहदे दिल च पहलां सी क्योंकि वड्डे बादल साहब बड़े सियाणे ने ते आदेश प्रताप वर्गा बड़ा सुलझिया और मैं तो कहना उन्हें गलती बहुत वड्डी की कि अकाली दल चों जाना नहीं सी चाहिए, जो उहदे दादे दा नाँ जो उहदे दादे दा रुतबा जो कैरों परिवार का जे पूरी वर्ल्ड के नाम आते वो सरदार प्रताप सिंह कैरों आ, जे अज पंजाब का नाम आ जे एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन या पंजाब की तरक्की दे इंडस्ट्री जे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जे लैके आते वो सरदार प्रताप सिंह कैरों लैके आए, ये परिवार को कुछ भी ना मिलता तो इन्हों लोगों ने पूजना से अज ये बिक्रम वर्गियों को विरसे वटोए जेड़े क्रिमिनल बंद को आदेश प्रताप होने अपने इंसल्ट करवा रहे, मैं कहना बहुत मंदभागी गल है। मेरा ख्याल है कि बिक्रम मजीठिया को तकलीफ हुण यह हो रही है कि गैंगस्टर असी कंट्रोल क्यों कर लेने, मैं उन्होंने दस देना चाहुंदा कि उहदा टाइम हुण दा टाइम जिहड़े ने असी अपने गैंगस्टर नूं कंट्रोल किया और बिक्रम नूं हुण यह तकलीफ है कि जिहड़े उहदे वर्कर सीगे गैंगस्टर उन्हां नूं नत्थ क्यों पाई जा रही है, उन्होंने एक्सटॉर्शन लिए खुला क्यों नहीं छड़िया जा रहा, उन्होंने गुंडागर्दी क्यों बंद कर दी, एक गल मैं तुम्हें दस देनी चाहना कि ठीक है मेरी मेरे तो मैनू ही खतरा मेरे तो जो गैंगस्टर जेड़े जेड़े आप टेररिस्ट या रेडिकल जिन्ना कोई वो कोई एम सीगा उन्होंने तो जेडे ये गैंगस्टर होंगे ये एमलैस होंगे इन्ह का काम होंगे लुटना और अनारकी फैलाने, असी जी बठिंडा जेल है इनू डेड जोन बनाता सारे ये जिन्हें बिक्रम मजीठिया के दोस्त ने जिन्हें इन्ना ये हर रोज़ ही बोलता वो सारे जेडे मित्र ने एक जेल च बंद करके उत्थे पूरी सिक्योरिटी करके पूरी सिक्योरिटी रखांगे और इन्हां गुंडियां नूं नत्थ पावांगे। मैं एक मैं तुहानूं दस देनी चाहुंदा कि बड़ी डीसी साहब नूं जां बाकियां नूं पता जिहड़ी जेल हुंदी आ ये जेल दे विच ना असी आप बंदा एंटर कर सकता, ये तुहानूं मैं जिहड़ा दसदा जो वो बिना मतलब तो यह जिहड़ा बोली जांदा जिन्हें परिवार खेरू खेरू कर दिता, जिस बंदे ने आके पहला चाचे का मुंडा बाहर कढ़िया मनप्रीत नूं बाहर कढ़िया
ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਕੋਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ।